नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रोचक तथ्य जो मैं लेके आया हूँ आज, ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब काफ़ी हद तक आगे निकल सकता है हॉलीवुड से। जो वर्ल्ड सिनेमा है हॉलीवुड, पूरी दुनिया में हर साल बिलियन डॉलर कमा के अपना नाम चकाचौंध रखता है, वो हॉलीवुड यूट्यूब से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकता है। हालांकि उससे किसी भी देश की जीडीपी या किसी भी देश के रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि ये दोनों ही अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। चाहे हॉलीवुड की रेवेन्यू की बात करें, चाहे यूट्यूब की रेवेन्यू की बात करें। हमारे सामने दो तस्वीर है, एक तस्वीर जो बहुत समय से आ रही है और बहुत अच्छे फ्रिक्शन पर काम कर भी रही है, और एक तस्वीर जो हाल ही में आई है और काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी है। क्या लगता है आपको? बड़ा रोचक विषय बन चुका है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि हॉलीवुड को बहुत पीछे छोड़ दे यूट्यूब। शायद पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे हो सकता है कि जहाँ पे पहले 100, 200 या 500 एक्टर और एक्ट्रेसेस धरती पे तस्वीरें नज़र आती थी, जिनके लोग बाग दीवाने थे, हो सकता है ये ऐसा संभव कि आने वाले भविष्य में ऐसे 50 लाख, 1 करोड़ या उससे भी अधिक लोग बाग हो जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हो चुके होंगे, एक हाई प्रोफाइल जिनको पब्लिक देखना जानना बहुत पसंद करेगी। ये भविष्य यूट्यूब का संभव लग रहा है इस धरती पे। खैर, जो बेसिक मुद्दे हैं अपन उनकी बात करते हैं। हाल ही में जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि हॉलीवुड का 2019 का जो टोटल रिवेन्यू था वो 42.5 बिलियन था। ये सब हॉलीवुड ने जो रिवेन्यू प्राप्त किया है, ये टिकट बेचकर पूरी दुनिया में। ये बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये 42.5 बिलियन डॉलर का जो इन्होंने रिवेन्यू प्राप्त किया है, ये अभी तक का इनका सबसे ऊंचा रेवेन्यू है। इससे पहले 31.1 बिलियन इनका टॉप था। यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि अपन जो भी पूरा ये समझ रहे हैं, ये ना तो केवल यूट्यूब और हॉलीवुड के बारे में है, ये एक नए जनरेशन का जो फीवर है उसके बारे में है। अपन यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब में विश्व में टोटल लगभग 2 बिलियन यूज़र हैं, और वहीं अगर अपन यूट्यूब के रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक यूट्यूब का टोटल जो रेवेन्यू था 5 बिलियन डॉलर था। बड़ी बात यह नहीं है कि इतने यूट्यूब के यूज़र हैं, बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज़ करने वालों का 79% भाग है। आइए एक तरीका से और समझते हैं। दुनिया में जो टोटल जनसंख्या है, उस जनसंख्या के ग्राफ में 37% जो है 1.4 चीन और 1.3 बिलियन इंडिया, दोनों ने कवर कर रखा है। यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आनी चाहिए, इंडिया जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड देश है पूरी दुनिया में, यहाँ पे टोटल जो यूट्यूब यूज़र है 265 मिलियन है। बड़ी बात ये भी है कि चीन ने YouTube को सस्पेंड कर रखा है। चाइना में YouTube की जगह कुछ और है, यूकू टूडो। फिर भी हम यहाँ पे ये कहेंगे, मैटर जो कर रहा है YouTube वर्सेस हॉलीवुड। एक चीज़ समझते हैं, क्या चाहिए एक यूट्यूबर को? एक कंप्यूटर, दिमाग खुद का जो कि एकाग्र हो, और सब्जेक्ट हो उसके पास कि क्या वो नई जानकारी दे सके, खुद का समय जो उस कार्य को पूरा करने के लिए वो काम में ले सके। हॉलीवुड की बात करें, बड़े बड़े सेटअप, उनको तैयार करने के लिए पार्लर, उनको तैयार करने वाला स्टाफ, लाइटिंग, मतलब इतना भयंकर मामला है हॉलीवुड का कि मतलब जितना पैसा पिक्चर बनाने में लगता है साला, पूरी दुनिया में उतना पैसा खर्च कर ले जाए तो दुनिया की तस्वीर ही अलग हो जाए। उसके बावजूद भी कई पिक्चरें फ्लॉप होती हैं, उसके बावजूद भी कई पिक्चरें सुपरहिट निकल जाती है, कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती हैं, कोई बहुत जो लगा है वो भी खा जाती है। खैर, हॉलीवुड से जो निकलने वाले हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी व्यवस्था भी बहुत ऊंचे लेवल की होती है, उनका जो पैसा होता है बहुत हाईफाई होता है, उनको बहुत पैसा मिलता है और वो अपनी जीवन का जीने का तरीका ही बहुत उच्च स्तर पर ले जाते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या YouTube से हीरो नहीं निकल सकते? मैं दुनिया की रिपोर्ट के बारे में इस समय कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर ये इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया के हर पर्सन से हम संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो ओपन सोर्सेस हैं जो बता रहे हैं ये संख्या, उससे ये ज्ञात होता है कि YouTube हॉलीवुड से काफ़ी हद तक आगे निकल जाएगा। YouTube दुनिया का
बहुत बड़ा क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। वीडियो क्रिएटर जो है यूट्यूब के, वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सारे जो वीडियो क्रिएटर हैं नए नए आइडिया निकालने में लगे हुए हैं, नए नए आइडियो पे अपने विचार डालने में लगे हुए हैं। इसके विपरीत अगर अपन बात करते हैं कि सिनेमा, जब हम सिनेमा में जाते हैं तो केवल वहाँ पे एक टिकट लेना होता है, अपन ने पिक्चर देखी 3 घंटे की 4 घंटे की या 2 घंटे की, और पिक्चर देखने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो केवल और केवल हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है वो उस मूवी का ही होता है। लेकिन अगर YouTube की बात करें, YouTube अगर कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो उसको हीरो बना देता है। शुक्रिया दोस्तों, हमारा सपोर्ट कीजिए।